इसको ढक कर उड़ाएं या हटा कर उड़ाएं? हटा के उड़ाइए, ढक के खेला कर देंगे तब। ये देखिए ठंडा आपको दिखाई दे रहा होगा कोका कोला, और ये देखिए जादूगर महोदय ने, अरे ये क्या हो गया? गया था। सीसी कहाँ गया? डेट एक्सपायर है, इसको फेर दिया जाए। अच्छा, और उसके यहाँ भेज दिया जाए, मतलब कि दूसरा भेजेगा कि आज तो लेकर आएगा तीन दिन के बाद। अब आज ठंडा में पी दिया, आज नहीं पिलाएंगे? नहीं, आज पानी ही पी। आज पानी पिलाएंगे लेकिन इसको बदल देंगे? हाँ बदल देंगे, दावा इसी तरह का है, मतलब लोग के सामने हम बहुत बड़ा जानकार है। तुम साले का जानकार, तुम तो भूत देखे नहीं, लॉन्ग पर कपू पर देखा होगा भूत, असली भूत देखा ही कहाँ है? भूत देखना हो तो हमसे मुलाकात कर ले, हम उसको अगली वीडियो में आपको देंगे सर। अच्छा, भूत बनाकर, हाँ बाबा ताकि देख ले कि कैसा भूत होता है, वो लौंगे कपूर पर देखा होगा। तो आप नमस्कार, बदले का भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त गाजीपुर जिले में हैं और गाजीपुर जिले के गांव में हैं। इस गांव में हमारी मुलाकात एक जादूगर से हुई है। वो तरह तरह के खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं। ये वही खेल हैं जिसको कुछ बाबा लोग दिखा करके लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और ढेर सारा पैसा बनाने की जुगत में रहते हैं और तमाम उल्टी सीधी चीज़ें होने लगती हैं। तो आज हम जिस इंसान से, जिस जादूगर से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, वो इन सारे विषयों पर अपनी बात रखेंगे कि तार्किक रूप से जादू कितना सही है। जो बाबा लोग कभी आप देखते होंगे कि ऐसे हवा में हाथ किया भभूत आ गया, कभी चैन आ गया, कभी घड़ी आ गया, तमाम तरीके से अपने भक्तों को रिझाते हैं, तो वो क्या होता है और जादू क्या होता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है दोनों में, ये आज आपको हम दिखाएंगे और जिस जादूगर से मिलाएंगे उनसे हम पूछेंगे और वो हमें बताएंगे। मैंने पहले ही बताया कि गाजीपुर ज़िले में हूँ। जब भी गाजीपुर ज़िले का जिक्र आता है तो शौर्य और वीरता का एक अद्भुत संगम हमारे मन मस्तिष्क में उभर पड़ता है और हमें बरबसी वीर अब्दुल हमीद जैसे वीर योद्धा हमारे देश की याद आ जाते हैं। तो गाजीपुर ज़िला सिर्फ ऐसे वीर योद्धाओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे जादूगर हैं जो अपनी कला से लोगों को हमेशा चमत्कृत करते रहते हैं। जी, मेरा नाम जामोहन सिंह कुशवाहा, ग्राम जल्लापुर पोर्ट शाहबाजपुरी जिला गाजीपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 95-69-42-27-22। मेरा ये आप करते क्या है? हम खेल दिखाते हैं जादू, जिसको कहा जाता है कि जादू है, लेकिन जादू है नहीं, केवल ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। और इसे अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या करते हैं? जिंदगी जीने के लिए देखिए सर, हम लोग गृहस्थी काम करते हैं, खेती बाड़ी। हाँ, छोटा मोटा ऑटो भी चलाते हैं हम। अच्छा, बच्चों को चलाने के लिए। अच्छा, लेकिन कहीं छोटा मोटा स्टेज प्रोग्राम मिल गया तो उसको भी करते हैं। स्टेज में क्या करते हैं? स्टेज में यही सब खेल दिखाते हैं। अच्छा, करता वहाँ दिखा, हाँ खेल दिखाते हैं, लोग को जागरूक करते हैं कि ये सब खेल है, जादू नहीं, इस चीज़ से आप लोग बचिए, किसी के मतलब फंसाने पर ना आए। हाँ, तो ये कब से कर रहे हैं आप? ये हम लोग 10 वर्ष हो गया सर। 10 साल से? जी हाँ, 10 वर्ष हो गया। अच्छा, तो गाजीपुर जिले में ही करते हैं स्टेज शो वगैरह? जहाँ हमको कोई बुलाते देता है तो वहाँ पर जाते हैं हम लोग और खेल दिखाते हैं। जहाँ बुला देता वहाँ? जी हाँ, 3 घंटा 2 घंटा दिखाते हैं और मनोरंजन का साधन बना करके मतलब लोग को जागरूक किया जाता है। हम लोग को दिखाने का मकसद ये है कि लोग को जागरूक किया जाए कि अंधविश्वास में न पड़े। अच्छा, इसी तरह से खेल दिखाते हैं और लोग को गुमराह बना करके पैसा लेते हैं। अच्छा जी, तो आपने कहाँ से सीखा इसे, ये जो तरकीब कह लीजिए या जो ये ट्रिक है, ये कहाँ से सीखा? सीखने के लिए जब हमको लोग लूट दिए, सोखा सहन बहुत ज़्यादा रुपया लूट दिए। ऐसा क्या हो गया? इसी तरह से चमत्कार दिखा करके हम भी उसी में पड़ गए कि नहीं बाबा बड़े जानकार है, इसको दे दिया जाए। अच्छा, तो लेकर चला गया। अच्छा, अब तब से हम फिर में पड़ गए कि यार किसी तरह से सीख लेना चाहिए। तो हमने सीखा तो कुछ इसमें ये नहीं है, मतलब इसी तरह से रास्ता चलते आप ही लोगों जैसे संगीत साथी से मुलाकात हो गई, हमको सारा चीज़ बता दिया। अच्छा, हाँ तब से हम जाएंगे, 10 वर्ष हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम एक गिफ्ट निकालेंगे सर, खाली लिफाफे से। हाँ, खाली लिफाफे से निकालेंगे। ये देखिए खाली लिफाफा आ गया है और मैं चाहूँगा दिखाएं पहले लिफाफा खाली है कि नहीं है। ये देखिए लिफाफा पूरी तरह से खाली है, आपको कहीं कुछ अगर इसमें दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार ऐसे ऐसे पलट दीजिए, ये देखिए अगर कुछ होता
तो इसमें से दिखाई देता, गिरता है ना। देखिए सर, तो लिफाफा बिल्कुल खाली है और गिफ्ट आने वाला है जी। कहाँ से आ रहा है गिफ्ट? अब देखिए कहाँ से आ रहा है। अच्छा हाँ, अब आप लोगों के सामने बाबा का जादू चालू है। चालू है, बाबा लोग इसी तरह से कहते हैं कि हम सामान मंगा रहे हैं। ऐसे करते हैं, चैन आ जाता है, भभूत आ जाती है। जैसे वो करते हैं उसी तरह से हम भी करेंगे। अच्छा, उन्हीं का ट्रिक हमको सिखा दिए कि लूट कर ले गए तो भाई पैसा दिए तो सीखे हैं। हाँ हाँ, चलिए पहले दिखाइए, ये देखिए अपना जो भी कर रहे हैं। लिफाफा बिल्कुल खाली था। हाँ, खाली और उसमें कुछ नहीं था। हमने उलट पलट कर चारों तरफ से उसको देख लिया, कहीं कुछ नहीं था। और आपने देखा होगा इन्होंने हाथ उठाया, वो भी ऐसे हवा में खाली हाथ उठाया है। और ये देखिए गिफ्ट आ गया, बाप रे बाप। भैया एक बार थोड़ा फिर से लिफाफा दिखाइए, कहीं इसमें ऐसा कोई बना तो नहीं था ना, पटिशन वोटिशन? खाली है, इसके ऊपर तक मंगाएगा सर। अच्छा, इसके ऊपर तक मंगाएगा। अच्छा, क्या देख लीजिए सर कैमरा, क्या बात है, क्या बात। ये भी नहीं कि नहीं शॉर्ट में कहीं रख नहीं रखे हैं। अच्छा, वो जो निकाला है आपने एक गिफ्ट है, दूसरा भी कुछ निकालने के फिराक में है? निकाल रहे हैं, दूसरा भी निकाल रहे हैं। अच्छा, जादूगर का जादू करता ये कमाल है। ये देखिए दो दो गिफ्ट आ गया, एक हमारे लिए, एक हमारे कैमरामैन महोदय। और निकालें सर, और भी आ जाएगा। अरे अब इसे ऊपर मंगाना है ना, कोई कहेगा किसी में रखा है। हाँ 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 हाँ, मंगाइए, गिफ्ट की बहार है। और भी है क्या? बताइए कितना मंगाए। दो और मंगाइए, एक बार मैं देख लूँ जरा फिर से। देख लीजिए खाली है सर। हाँ, खाली है। अच्छा, इस हाथ से पकड़िए। हाँ लीजिए, इसी हाथ से पकड़े। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, तो बिल्कुल खाली है। ये देखिए एक के छोटे से लिफाफे में अगर हम बराबर सीरियल वाइज एक एक करके रखते रहें तब भी ये बैग तीन में मुझे लगता है भर जाएगा, जितना हाइट का ये गिफ्ट मंगा रहे हैं तीन में ही भर जाएगा। ये देखिए, अब आप सोच सकते हैं कि कहेंगे कि हो सकता है पहले से रखा रहा हो, तो ये लिफाफा पूरी तरह से खाली था। और ये देखिए लिफाफे से बड़ा है, मतलब ये मैंने जो तीन कहा तीन ही इससे ऊपर चला जा रहा है, ये इन्होंने चौथा भी मंगा दिया। तो ये शानदार जादू देखा आपने। अच्छा ये बताइए जी कि बाबा कहे नहीं बन जाते आप? बाबा नहीं बनेंगे हमको, आप लूटे हैं, आप खुद लूटिए दूसरों। हम दूसरों को नहीं लूटेंगे सर, इसी चीज को बता रहे हैं कि लोग बचें। अच्छा हाँ, ये अंधविश्वास है। हाँ, ये सब ट्रिक है, खेल। अच्छा, है कोई जादू विद्या नहीं। अच्छा, इस चीज से बचना है और लोग को बचाना है। अच्छा, हम तो गए सनम लेकिन आप ना जाए। अच्छा क्या बात है। तो ये आपने देखा पहला जादू जिसमें ढेर सारे गिफ्ट एक लिफाफे से, खाली लिफाफे से इन्होंने निकाले। दूसरा क्या, गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ साहब पिलाई उलाइए, पेप्सी उप्सी क्या मंगा दे रहे हैं सर? तमाशा कर रहे हैं, गर्मी में खड़ा कर रहे हैं, मंगा दे रहे हैं सर, मंगाइए। गर्मी काफी ज्यादा है, पसीने से हम लोग भीग चुके हैं। तो जादूगर महोदय ने ये कोका कोला मंगाया। कोका कोला ये क्या है? कोका कोला, कोका कोला है, भरा हुआ है। भरा है, भरा हुआ है। हाँ मतलब खाली नहीं है ये, तो भरा हुआ है। भरा है ना? हाँ, हिल रहा है ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए हमारा, आप कहे कि नहीं ठंडा मंगा दीजिए, लेकिन ये डेट एक्सपायर दे दिया है। डेट एक्सपायर है ये? हाँ, डेट एक्सपायर दे दिया है। अरे अब इसको भेज दिया। काला भी दिख रहा, लग रहा है। हाँ, जैसे वही ना, डेट एक्सपायर दे दिया है, काली स्याही। हाँ, लग रही जैसे डेट एक्सपायर है, इसको फेर दिया जाए। अच्छा, और उसके यहाँ भेज दिया जाए, मतलब कि दूसरा भेजेगा कि आज चुल्ले कराएगा कुछ दिन के बाद। अब आज ठंडा मत पीजिए आप, आज नहीं पिलाएंगे, नहीं आज पानी ही पी लीजिएगा। अच्छा, आज पानी पिलाएंगे लेकिन इसको बदल देंगे आज। हाँ बदल देंगे, इसको बदलना नहीं पड़ेगा तो मान लीजिए दिक्कत है ना। हाँ देखिए सर, तो ये देखिए जादूगर महोदय अब इसको डंडा ले लीजिए सर, बदलने वाले हो सकता है, शंका हो जाए। नहीं नहीं, अरे दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। मैं अपने हाथ में लेके एक बार दिखा सकता हूँ। ये देखिए पूरी तरह से खाली है, आर पार हो इसको, आप देखिए पूरी तरह से खाली है, दोनों तरफ से खाली है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख रहे हैं खाली है।
खाली है। अरे नहीं साहब खाली नहीं, इसमें और पर लेंस लगा इसलिए आपको ईसा दिख रहा है। अरे नहीं भाई साहब ये लीजिए, चलिए रहने दीजिए ठीक है। ये देखिए मैं इधर से कर रहा हूँ इधर तक ये पूरा, ये देखिए इधर से निकाल लिया ठीक है, इधर से डाला और इधर से निकाल लिया ठीक है, इधर से डाला इधर से निकाल लिया। चलिए अब ये देखिए, ये देखिए सर डेट एक्सपायर है आ चुका था, अब इसको वापस करने का जी कवायद यहाँ पे चालू है। गजब का मामला है भैया, गजब का मामला है। दिखाइए आप दिखाइए, अब ये देखिए किस तरह से इसको ढक कर उड़ाए या तो हटा कर उड़ाए, हटा कर उड़ाइए, ढक के खेला कर देंगे तब। ये देखिए ठंडा आपको दिखाई दे रहा होगा कोका कोला, और ये देखिए जादूगर महोदय ने, अरे ये क्या हो गया, गया सर सीसी कहाँ गया, गया सर जहाँ का था वहाँ चला गया, चला गया। हाँ अब फिर रिटर्न आएगा जब हमारा, जब आएगा तो आपको बुलाएंगे पिलाएंगे ठंडा, अभी नहीं पिलाएंगे, अब काम हम तो कहेंगे ना पानी पिला देंगे आज, आज पानी से काम, हाँ आज पानी से काम चला लीजिए। अब मैं आपको दिखा दूं कि इनके हाथ में दिखाइए जरा, थोड़ा पॉकेट वॉकेट दिखाइए हमको, कुछ नहीं सर, पीछे जरा घूमिए, घूम रहे हैं देखिए, अरे ये तो कमाल हो गया भाई, गया कहाँ आखिर, जहाँ से आया था जहाँ से खरीदा था वहाँ भेज दिया आपने जी। अच्छा और क्या देखने वाले हैं, घड़ी गायब करेंगे, घड़ी मंगाएंगे, घड़ी गायब करके मंगा देंगे, तो चाहता हूँ मैं कि उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी करके देखें। अब ये देखिए घड़ी वाला मामला आ गया है, ये घड़ी, तो ये घड़ी आप भेज देंगे कहीं पे जी, हाँ गायब कर देंगे। अच्छा भैया ये तो बड़ा गजब का कारनामा है, हाँ दूरी बनाना पड़ेगा सर यहाँ इतना, अच्छा हमको भी दूरी रहना है, हाँ। अच्छा चलिए तो हम ये दूर खड़े हो जा रहे हैं, और एक तरफ घड़ी है एक तरफ कैमरे पर दिखा दीजिए कैठो घड़ी है, जादूगर जामुन कुशवाहा जी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 घड़ी है, 6 घड़ी है, और अब इसे गायब करेंगे और फिर मंगाएंगे जी, इसको जैसे कि कोई चुरा कर ले जाएगा, कोई ले जाएगा चुरा कर, हाँ। ये देखिए एक भाई साहब हैं, इसे गायब करेंगे और फिर जामवंत जी से मंगा देंगे। ये देखिए एक घड़ी निकाला इन्होंने, दूसरी घड़ी को भी निकाला, तीसरे को भी, और इसी तरह से ये चौथा पांचवा और छठवां, मतलब 6 घड़ी जो इसमें आपको दिख रही थी उसको गायब कर देंगे ठीक है, इसको गायब कर देंगे और फिर ये दावा कर रहे हैं कि हम उस घड़ी को मंगा भी लेंगे ठीक है। तो ये गजब का कारनामा हमें दिखा रहे हैं जामवंत सिंह कुशवाहा, जो एक गांव के रहने वाले हैं, अच्छा चलिए ठीक है। ये गायब होना, मतलब गायब होने की जो बात है वो चोरी से ही संबंधित होती है, तो चाहे गायब कहें या चोरी कहें, अब ये पूरी तरह से खाली है जामवंत जी, जी हाँ देख लीजिए, बेइज्जती ना करवाइएगा, देख रहे हैं सर देख रहे हैं ठीक है, देखिए सर हाँ ये हमारी घड़ी कोई लेकर चला गया, अच्छा हम दूरी रहे ना जी, हाँ आप भी दूरी रहे सर, और कैमरा जूम करते रहिए, घड़ी हमारा कोई लेकर चला गया, घड़ी को हम मंगाएंगे, अच्छा अब जितना घड़ी था उतना तो मंगाना ही पड़ेगा, तो जो गायब किए थे आपके बजुए में खड़े हैं आप बोल देंगे लेते आएंगे, नहीं कैसे ले कर आएंगे, अच्छा दूर हो जा भैया नहीं लेके आएंगे, नहीं हो सकता है कोई कह दे कि नहीं आप अपने पास से ही लेकर आ रहे हैं, नहीं वो तो लेके गए दूसरे लोग थे, आप हो सकता है दूसरी घड़ी हम अपने पास रखे हो, नहीं तो 6-6 घड़ियां हैं कहाँ रखेंगे, हम तो देख ही रहे हैं, देखिए लेकिन कमेंट में लोग कहते हैं कि नहीं यार शर्ट में रखा होगा पैंट में रखा, अरे नहीं हम गारंटी लेते हैं आप नहीं रखे हैं, ओ माय गॉड, लेकिन लोग कहेंगे कहेंगे सर अरे शर्ट में रखा है स्प्रिंग से आ जा रहा है, कतई विश्वास के लिए सर, हाँ आपने माइक भी लगाया उसका ध्यान रखिएगा, बना रहे हैं सर, ये देखिए कहीं कोई शंका ना रहे इसके लिए जामवंत जी ने अपने शर्ट को निकाल दिया है, और 6 में से एक घड़ी वापस आ चुकी है इनके शरीर में, पैंट आप चेक कर लीजिए, और ऊपर जो इन्होंने
बनियान पहना है, उसके अलावा मुझे तो कुछ और नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी को दिख रहा है तो दिखाइए, कहीं से किसी को अगर कुछ दिख रहा है तो बताएं। एक घड़ी वापस आ चुकी है। कहीं नहीं सर, चेक कर लीजिए, पूरी हमारी चेक कर लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। बाबा इसी तरह से कहते हैं, थोड़ा हाथ इनका देखते रहिएगा, देख लीजिए सर, बिल्कुल ठीक है। आप तो शर्ट नहीं पहने ना सर? ना 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 नहीं, कोई कहेगा कि नहीं शर्ट में रखे हो, निकाल रहे हो बार बार। हाँ। अगली वीडियो में बहुत ज्यादा लोग कमेंट किए थे। हाँ। कि तुम शर्ट में रखे हो। हाँ। और निकाल रहे हो। अच्छा, हाँ, हमने कहा कि ठीक है अगली वीडियो में हम बनाएंगे। गवाही मैं देता हूँ आपने कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और बताइए, चार और बाकी है। बाबा इसी तरह से कहता है, मतलब लोग के सामने कि हम बहुत बड़ा जानकार हैं। तुम साले का जानकार हो, तुम तो भूत देखे नहीं, लौंग पर कपूर पर देखा होगा भूत, असली भूत दिखाई कहाँ है। भूत देखना हो तो हमसे मुलाकात कर ले, हम उसको अगली वीडियो में आपको देंगे सर। अच्छा, भूत बनाकर। हाँ बाबा, ताकि देख ले कि कैसा भूत होता है, वो लौंगे कपूर पर देखा होगा। तो आप ये मनोरंजन के लिए सीखे हैं कि बाबाओं की पोल खोलने के लिए? बाबा की पोल खोलने के लिए कि लोग बचे। हाँ, हाँ, डकैती से बचे। तो आप सबकी दुकान बंद करवा के बंद करवाएंगे, इसलिए कि हम लूटे गए हैं। अच्छा, इसी चीज को दूसरे से। अरे तो आपको एक ने लूटा, बदला सबसे कहा? हाँ, सभी लोग लगे ना, सभी लोग वही धंधा कर रहे हैं, बेमतलब का लूट रहे हो। चलिए अब ये तीसरे गाड़ी का नंबर है, ये देखिए तीन घड़ी आ चुकी है अब तक। लोग कहेंगे कि इधर रखा होगा घड़ी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खाली है। नहीं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि नहीं रखा है, पीछे घड़िया नहीं, वही आ रहा है। मैं एक बार उठा के दिखा दूं? देखिए देखिए देखिए। अच्छा, ये देखिए, कहीं से पीछे से भी कोई कह नहीं सकता कि कहीं कोई जगह बनाई गई हो, वहाँ हाथ डाल के निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। चलिए, बाकी तो अब तीन बची है, तीन को भी मंगाना ही पड़ेगा जी। ये हो गया चार, जल्दी जल्दी दो और मंगा दीजिए। इधर आइए सर। अच्छा, मैं इधर आ जाऊं? हाँ, इधर आएंगे, आ जाएंगे तो अच्छा रहे ना, आपको भी बोलूं। है करीब। हाँ। हम इसलिए जा रहे हैं, देखें आखिर मामला क्या है। देखिएगा, आपको दिखाएंगे। आप भी ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। नहीं नहीं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मंगाइए। नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो रहा, जादूगर आप, हम थोड़े ही है। चलिए, पांचवी घड़ी। पांचवी घड़ी, छठवीं। अब छठवीं ना आई तो बड़ा बेइज्जती हुई। अरे बेइज्जती क्या, हम चिल्ला के बताएंगे दुनिया को। गंगो बेइज्जती कर देंगे आपकी। भाई बेइज्जती तो सही बात है। देखिए सर, ये देखिए, छह घड़ी जो चोरी हुई थी वो वापस आ चुकी है। जादूगर जामवंत सिंह कुशवाहा ने ये कर दिखाया है, और जो घड़ी चोरी हो गई थी। अच्छा, जिनके घर में चोरी वोरी हो जाए तो फिर तो आपसे मिलना चाहिए उनको। कुछ नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं, वो चोरी हो गई तो हो गई, वो कहाँ गया, वो कहाँ मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन बाबा तो जो जाते हैं सब दिखाने उखाने के, आखिर गया कुछ ना रहे, वो बेकार है सर, बेकार है। केवल एक पैसा कमाने के मतलब जरिया है कि हम बताते हैं, बताते। अरे दस गो कई गो को बता दे, अलग कह लो, अरे बाबा बहुत बढ़िया बताए हम, लेकिन नौ गो झूठ निकले, एक गो सही निकली हुआ अंदाज पर। संयोग बस एक सच निकल गया, बाकी सब झूठ जी। चलिए, तो ये तीन जादू देखा आपने, जादूगर जामवंत कुशवाहा ने दिखाया आपको, तीनों एक से बढ़कर एक। एक छोटे से लिफाफे से चार पांच गिफ्ट के आइटम निकाल के दिखा देना बड़ी बात है। गर्मी से तड़प रहे थे, प्यास लगी थी, मांगा ठंडा पीने के लिए, मंगाया इन्होंने, लेकिन लग रहा है पैसा नहीं दिया था, उसने डेट एक्सपायर दे दिया, इन्होंने तुरंत उसे वापस भी भेज दिया। और उसके बाद इन्होंने छह घड़ी यहाँ पे रखी लाके, और वो घड़ी चोरी हुई, और फिर उन्होंने उसको मंगा लिया।